ऐसी महिला जो अपनी जिंदगी में आज तक हंसी ही नहीं है, बिना गर्भ धारण किए ही प्रियंका चोपड़ा कैसे बन गई माँ, और एक ऐसा महान बॉडी बिल्डर जिसके साथ ओलंपिया में जजों ने नाइंसाफी की। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए कि इस नई वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि इस दुनिया में एक ऐसी भी महिला है जो पिछले 40 सालों से हंसी ही नहीं है। इस महिला का नाम टेस क्रिश्चियन है। अब ऐसा नहीं है कि इसकी सारी जिंदगी दुख में कट रही है इसलिए वो हंसती या मुस्कुराती नहीं है, बल्कि इसके न हंसने और न मुस्कुराने के पीछे की वजह ये है कि इस महिला का दावा है कि हंसने या मुस्कुराने से चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं, इसलिए अपने चेहरे को रिंकल्स फ्री रखने के लिए ही इसने हंसने या मुस्कुराने से तौबा कर ली। अजीब लॉजिक है भाई। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अरब देश अपने खाने पीने की ज्यादातर चीजें दूसरे देशों से ही मंगवाते हैं। अरब देशों को फूड सप्लाई करने वाले देशों की लिस्ट में पिछले 15 सालों से ब्राजील पहले नंबर पर मौजूद था, लेकिन अब ब्राजील को पीछे छोड़कर भारत अरब देशों को फूड सप्लाई करने वाला नंबर वन देश बन चुका है। ये हमारे किसानों की मेहनत का नतीजा है कि आज भारत इस मुकाम पर पहुंच चुका है। वर्ष 2008 में जापान के एक शख्स ने नोटिस किया कि उसके फ्रिज में रखा हुआ खाना पिछले काफी समय से कम होता जा रहा है। कई दिनों तक खाने की चोरी पकड़ने की कोशिश के बावजूद जब उसे कामयाबी नहीं मिली तो तब उसने अपने घर में एक छोटा सा सिक्योरिटी कैमरा लगा दिया, और फिर अगले दिन उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। दरअसल इस शख्स के घर के टॉप कंपार्टमेंट में एक बेघर महिला पिछले एक साल से रह रही थी। जब ये शख्स ऑफिस चला जाता था तो वो तब नीचे उतरकर फ्रिज से खाना निकाल कर खा लेती थी, और फिर दिन भर में घूमने के बाद मकान मालिक के घर वापस आने से पहले ही वो वापस उसमें चली जाती थी। वर्ष 1837 में ब्रिटेन के रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी को उसकी मर्जी के बिना किस करने की कोशिश की, लेकिन अपने पति के इस जबरदस्ती किस से बचने के लिए पत्नी ने अपने दांतों से ही पति की आधी नाक काट डाली। इस घटना के बाद पति ने पत्नी के खिलाफ अदालत में केस कर दिया। जब ये मामला कोर्ट में गया तो जज ने उस शख्स के खिलाफ फैसला सुनाया जिसमें कहा गया था कि जब कोई पुरुष किसी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ किस करने की कोशिश करता है तो वो महिला अगर चाहे तो उस व्यक्ति की आधी नाक ही नहीं पूरी नाक काटने की भी हकदार है। दोस्तों, अब आप लिए एक पहेली है। स्क्रीन पर दिख रहे इस खिलाड़ी को यदि आप पहचानते हैं तो कृपया इसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। गुलामी प्रथा इंसानियत के ऊपर एक ऐसा धब्बा है जिसके दाग शायद ही कभी धुल पाएंगे। दोस्तों, एक बार रोमन सीनेट के मन में ये विचार आया कि वो अपने गुलामों के पहनने के लिए एक खास यूनिफॉर्म बनवाए और उसके पीछे उस गुलाम की संख्या लिखवा दे ताकि उसकी पहचान आसानी से हो सके। लेकिन कुछ समय ही बाद उन्हें अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा करने से जनता के सामने ये बात आ जाएगी कि गुलामों की संख्या कितनी बड़ी है, और ऐसे में गुलाम अपनी ताकत को पहचान कर विद्रोह करना भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया के कई देशों में अभी ड्राइवर लेस कार नहीं आई है, लेकिन सिडनी में एक कदम आगे बढ़ते हुए ड्राइवर लेस ट्रेनों को संचालन शुरू कर दिया है। सिडनी ने कुछ ही दिन पहले फुली ऑटोमेटेड ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये ट्रेन मेड इन इंडिया। ऑटोमेटिक मशीन गन के आविष्कारक हिरम मैक्सिम ने अपने इस आविष्कार की टेस्टिंग के लिए इसमें लगी बंदूकों से इतनी ज्यादा फायरिंग की थी कि इससे निकलने वाली तेज आवाज की वजह से वो पूरी तरह से बहरे हो गए। बाद में इनके बेटे हिरम पर्सी मैक्सिम ने ऑटोमेटिक मशीन गन के साइलेंसर का आविष्कार किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उनके पिता हिरम मैक्सिम ऑलरेडी बहरे हो चुके थे। दोस्तों, आपने दुनिया के सात अजूबों में शामिल रोमन कोलोजियम को तो जरूर देखा होगा। रोमन साम्राज्य की समृद्धि को दर्शाने वाले इस कोलोजियम को देखने हर साल लाखों लोग इटली शहर रोम पहुंचते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्टिस्ट डेल्टन गेटी ने इस रोमन कोलोजियम को सिर्फ एक दांत के ऊपर ही बना दिया। एक दांत के ऊपर जितनी बारीकी से इस भव्य कोलोजियम को उकेरा गया है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरा दबा दीजिए। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की मां बनने की खबर ने सभी को चौंका दिया। दरअसल प्रियंका चोपड़ा सरोगेसी से मां बनी है, हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी कई स्टार सरोगेसी की मदद से मां बाप बन चुके हैं। अभी तक शिल्पा शेट्टी, प्रीति जिंटा, करण जौहर, गौरी खान, तुषार कपूर, एकता कपूर जैसे सितारे सरोगेसी की मदद से ही अपने घरों को गुलजार कर चुके हैं। दरअसल सरोगेसी को आम भाषा में किराए की कोख कहा जाता है, यानी आप अपना बच्चा पैदा करने के लिए जब कोई माता पिता किसी दूसरी महिला की कोख को किराए पर लेते हैं, किसी महिला के गर्भाशय में दूसरे
के कपल के बच्चे के पलने और पैदा होने की पूरी प्रक्रिया को सरोगेसी कहा जाता है। इसके लिए सिंगल पेरेंट भी सरोगेसी का सहारा ले सकते हैं और कपल भी। तकनीकी तौर पर बात करें तो होने वाले पिता के स्पर्म और माता के एग्स का मेल या डोनर के स्पर्म और एग्स का मेल टेस्ट ट्यूब के जरिए कराने के बाद इसे सरोगेट मदर यानी दूसरी किसी महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। उस गर्भाशय में बच्चा विकसित होता है और डिलीवरी के बाद बच्चे को असली माता पिता को सौंप दिया जाता है। सरोगेट मदर को इस पूरी प्रक्रिया यानी 9 माह तक बच्चे को अपने पेट में रखने और डिलीवरी के लिए मेहनताना मिलता है और बाकायदा इसके लिए एग्रीमेंट साइन भी होते। अगले फैक्ट में हम आपको एक महान बॉडी बिल्डर के बारे में बताने जा रहे हैं। इनका नाम फ्लेक्स व्हीलर है। ये एक रिटायर IFBB प्रोफेशनल ओपन डिवीजन बॉडी बिल्डर है। केनेथ व्हीलर का जन्म कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो में हुआ था। इन्होंने कई प्रमुख बॉडी बिल्डिंग खिताब जीते हैं और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने उन्हें इतिहास के सबसे महान बॉडी बिल्डरों में से एक कहा है। हाई स्कूल में इनका वजन मात्र 98 पाउंड यानी 44 किलोग्राम था और उन्हें स्किनी कैनी के नाम से चिढ़ाया जाता था। ओलंपिया में इन्होंने कुल 7 बार हिस्सा लिया जिसमें वो 1993, 1998 और 1999 में रनर अप रहे। कई लोग अभी भी ये तर्क देते हैं कि फ्लेक्स को कम से कम एक बार खिताब जीतना चाहिए था। ओलंपिया के जजों ने उनके साथ नाइंसाफी की। ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।